नमस्ते दोस्तों, बहुत से लोगों को सवाल था कि संतुलन अंजन कैसे बनता है, वो आंखों के लिए कैसे अच्छा है। तो आज का जो एपिसोड है मैं उसी पर आधारित कर रही हूँ। आयुर्वेद में आंख के बारे में तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई है। पहली तो है कि हमें कोई भी इमेज देखिए बनती है तो लाइट के सिवाय तो नहीं बन सकती है ना, अंधेरे में कुछ दिखता है क्या? तो आयुर्वेद के अनुसार आंखों में तेज होता है जिसे आलोचक पित्त कहा जाता है, उसी के द्वारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जहाँ पित्त आएगा वहाँ पे नेचुरली अग्नि है, तो उसको हमें कंट्रोल में भी तो रखना पड़ेगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण जो बात आती है वो होती है आंसुओं का सिक्रीशन। हम सभी को मालूम है कि अगर हम नहीं भी रो रहे हो तो भी हमारी आंखों में पानी होता है, तो वो होता है उस अग्नि को कंट्रोल करने के लिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आँख जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंद्रिय होती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी पलकें दी हुई है। हम बंद करते हैं, कोई भी छोटी भी चीज़ आ जाए, छोटा सा धूल का भी कण हो तो जाके अंदर इतना इरिटेशन लगता है कि ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा पत्थर शायद आँख में डाल दिया है ना। तो ये पलक झपकाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीन चीज़ें प्रॉपरली हो सके, प्रोटेक्शन भी, वहाँ पे हमें दिखना भी, और उसी के साथ उस पित्त का कंट्रोल भी, ये तीनों चीज़ें अगर अच्छे से हो सके तो हमारे आँख का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रह सकता है। तो संतुलन अंजन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि इसको एक तो कूलिंग मिलता है, उसी के साथ जो भी धूल है, पॉल्यूशन है, कोई भी आजू बाजू में हमारे तकलीफ़ देने वाली जो चीज़ होती है आँख के लिए, उससे संतुलन अंजन से प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो इसीलिए संतुलन अंजन रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। तो आइए इसकी विधि भी समझ लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। संतुलन अंजन बनाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कज्जली बनाना। कज्जली या जिसे मराठी में काजली बोलती है, हम लोग काजल भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमें लेना होता है देशी गाय का जो घी होता है, उससे हमें दिया जलाना होता है। और इसकी जो कज्जली हम लोग लेते हैं वो लेते हैं ताम्र के ऊपर या चांदी के ऊपर। अभी मैं ये जो आपको डेमो दिखा रही हूँ इसमें नेचुरली मैं आपको छोटा दिखा रही हूँ, पर जब फार्मेसी में ये चीज़ बनाई जाती है तो नेचुरली इसके लिए अलग अलग प्रकार के मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके द्वारा ये कज्जली जो है चांदी के ऊपर और ताम्र के ऊपर ली जाती है। आप लोगों ने बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि जिसमें आपको घर पे काजल बनाना सिखाया जाता है, कोई भी तेल का दिया बना लेते हैं या घी का दिया बना लेते हैं, और किसी भी चीज़ के ऊपर कोई मिट्टी लेता है, कोई मेटल लेता है, और उसके ऊपर ये कज्जली जो है वो पकड़ी जाती है। तो ये जो कालापन है ये अंजन नहीं है, प्लीज़ याद रखिए। इसीलिए इसे कज्जली या काजल बोला जाता है, ये अंजन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम प्रॉपरली नहीं बना सकते हैं तो इसमें देखिए अभी मिट्टी के ऊपर अगर बनाया तो मिट्टी के अंदर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े हो सकते हैं। आप जब भी उसको इकट्ठा करेंगे उसके अंदर भले ही आपने घी और तेल बाद में डाला भी तो भी वो सॉफ्टनेस नहीं हो पाता है, केवल चारकोल जैसी चीज़ जो है वो आपके हाथ में आती है। और इसी के साथ घर पे जब बनाएंगे तो हाइजीन नहीं रहता है, क्लीनलीनेस नहीं रहता है। और जहाँ फार्मेसी में ये चीज़ जब बनाई जाती है तो प्रॉपर हाइजीनिक प्लेस पे इसे बनाया जाता है। देखिए आँखों के साथ खिलवाड़ जो है वो बिल्कुल नहीं चलता है, हमें उसकी बहुत केयर लेनी पड़ती है। छोटे बच्चे से मतलब एक दिन का भी अगर बच्चा हो, शिशु हो, तो हम उसे काजल डालने की सलाह देते हैं। तो घर पे बनाया हुआ काजल जो है वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक नहीं है। याद रखिए अंजन जो होता है वो हमारे लिए एक दवाई के तौर पे आयुर्वेद में बताया गया है, इसीलिए किसी प्रॉपर फिजिशियन ने, फार्मासिस्ट ने ही उसे बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी दवाई आप घर पे बना के यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसीलिए अंजन भी जो है वो प्रॉपरली फार्मेसी में बनाया हुआ ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। कज्जली को एक बार इकट्ठा कर लिया तो उसके बाद की प्रोसेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो नेचुरली क्वालिटी कंट्रोल भी जो होता है इन सब इंग्रेडिएंट्स का वो फार्मेसी में ही प्रॉपरली हो सकता है। संतुलन अंजन में होता है नेचुरल बी वैक्स, मतलब मधुमक्खी का जो वैक्स होता है मोम, उसे यूज़ किया जाता है। बहुत से इसमें आप आर्टिफिशियल वैक्स का भी यूज़ होते हुए देख सकते हैं, पर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, तो याद रखिए वो आँख के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसी के साथ संतुलन अंजन में यूज़ होते हैं अलग अलग प्रकार के तेल, जैसे एरंड का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, बादाम का, खस का। उसी के साथ आयुर्वेदिक सिद्ध घृत भी इसमें यूज़ किया जाता है। किसी के साथ इसमें यूज़ किया जाता है भीमसेनी कापूर। अभी कापूर जो होता है वो अग्नि, मतलब हमारी आँख में होने वाली जो अग्नि आलोचक पित्त है उसे अच्छा रखने के लिए मदद करता है, तो नेचुरली हमारी जो दृष्टि है वो भी उससे अच्छी रहती है। उसी के साथ इसमें यूज़ होता है दूध, अलग अलग वनस्पतियाँ यूज़ होती है, जैसे कि हो गया आंवला, हिरडा, बहड़ा, यष्टि मधु, माका, अलोए, तो इन सब वनस्पतियों का भी यूज़ इसमें किया जाता है।
संतुलन में आपको दो प्रकार के अंजन मिलते हैं। देखिए, पहला तो है ब्लैक अंजन, काला अंजन, मतलब जो हम आंखों में लगाएंगे तो हमें दिखता है। पर कई पुरुष जो हैं वो ऐसा अंजन नहीं लगा सकते, पर पुरुषों की भी आंखों का तो ख्याल रखना है ना, इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से हम लोगों ने अंजन एक कलर लेस भी बनाया है कि जो सफ़ेद अंजन के तौर पे काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का तो फायदा उसमें मिलता है, केवल कज्जली नहीं होती, और साथ ही में उसमें होती है मौक्तिक पिष्टी। मौक्तिक मतलब क्या? मोती। मोती की पिष्टी जो होती है वो सबसे कूलिंग बताई गई है आयुर्वेद में, तो आंखों की कूलिंग के लिए ये बहुत ही मदद करती है। और साथ ही में जब हम संतुलन फार्मेसी में से बनाते हैं तो गुलाब पानी की भावना इसे दी जाती है, मतलब हम बोलते हैं ना कि सोना उस पे सुहागा, मतलब मौक्तिक पिष्टी तो पहले अच्छी है ही, पर उसी के साथ उसमें जब गुलाब जल की भावना भी हो जाती है तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसीलिए संतुलन का जो काला अंजन है वो छोटे बच्चे से लेके कोई भी स्त्री जो है यूज़ कर सकती है। वो क्लियर अंजन है संतुलन का जो सफ़ेद है, वो जो होता है वो मुक्ता पिष्टी के कारण बहुत ज़्यादा कूलिंग है। तो जिन भी स्त्रियों को भी अगर कंप्यूटर पे काम होता है, बहुत ज़्यादा लाइट में काम करना पड़ता है, या आँखों में जलन की तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे वक्त में क्लियर अंजन का यूज़ करना स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। कुछ लोगों ने पूछा है कि सुरमा और अंजन सेम होता है क्या? तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है दोनों का वो सेम होता है, पर आपने जैसे देखा कि जो आयुर्वेदिक अंजन है उसको बनाते वक्त कज्जली का, मतलब काजल का यूज होता है बेस में, पर जहाँ हम अगर सुरमे की बात करें तो वहाँ पर लेड सल्फाइड का यूज़ होता है, जिसका उपयोग एक्चुअली अंजन में नहीं होता है। इसीलिए अंजन जो है इस प्रकार से बनाया हो ज़्यादा सेफ होता है। पर आप जब भी किसी चीज़ को यूज़ करें तो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स जो है वो आँखों में डालने के पहले पक्का चेक कीजिएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा ना कि संतुलन अंजन जैसी जो चीज़ है वो आँखों में यूज़ करने के लिए कितनी सेफ है, मतलब कोई भी टेंशन लेने जैसा नहीं है, उल्टे उससे आपकी आँखों को फ़ायदा ही होने वाला है। और साथ ही में जो ऑलरेडी संतुलन अंजन का यूज़ कर रहे हैं और बहुत खुश है, उन लोगों ने एक मुझे कंप्लेंट हमेशा भेजी है कि जब भी संतुलन अंजन की डिब्बी में हाथ डालते हैं तो नाखून में अंजन भर जाता है। तो हम लोगों ने उसकी भी केयर ली है। अभी संतुलन अंजन नए पैकिंग में आ रहा है जो यूज़ करने के लिए आपको एकदम ईजी रहेगा। तो मुझे आशा है आज का एपिसोड देखने के बाद अंजन की तरफ देखने का नज़रिया आपका ज़रूर बदल गया होगा और आपके रोज के जीवन में अंजन का उपयोग जो है वो ज़रूर करेंगे। आगे भी हम ऐसे ही अलग अलग विषय देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।